मेगापिक्सल्स डजंट मैटर, बैटरी कैपेसिटी मैटर नहीं करता, डिस्प्ले निट्स मैटर नहीं करता, क्लॉक स्पीड मैटर नहीं करता, मैटर क्या करता है, रियल यूजर एक्सपीरियंस, इन हैंड एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आपने कई सारे टेक यूट्यूबर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि मेगापिक्सल मैटर नहीं करता, ये स्पेसिफिकेशन मैटर नहीं करता, वो स्पेसिफिकेशन मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये है कि आप फ़ोन को ख़रीदें, हाथों में चलाएं, एक्सपीरियंस करें और तब कोई डिसीजन लें कि आखिर वो फ़ोन कैसा है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो सारी के सारी बातें हैं ये पूरी पूरी इलॉजिकल बातें हैं, एंड मेरे हिसाब से ये सब के सब चीज़ें मैटर करती है। अगर इनकी वैल्यूज़ ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आपको हार्डवेयर के हिसाब से कुछ ना कुछ अपग्रेड देखने को मिलेगा। अगर इन सब की वैल्यू लेस होगी तो आप बाइक करने भी नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए दोस्तों, अगर आज के समय में आप 20,000 रुपये का कोई स्मार्टफोन बाइक करने जाएँ एंड उसमें आप देखेंगे कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा हो, क्या आप बाइक करेंगे? नहीं बाई करेंगे दोस्तों। ये रियलिटी है, ये आपकी साइकोलॉजी है कि उसमें 12 मेगापिक्सल से ज़्यादा की कैमरा होनी चाहिए। और अगर उस कैमरा में कोई सिर्फ सिंगल कैमरा हो तब भी आप हो सकता है बाई नहीं करेंगे, चाहे आपको कितना भी लगता हो कि 2-3 कैमरा यूजलेस है, ये भी एक रियलिटी है। लेकिन इसे हम लोग 1 by 1 क्रॉस चेक भी करते हैं कि आखिर क्या चीज़ें रियली में मैटर करती हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कैमरा के एग्जांपल में, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है मेगापिक्सल मैटर नहीं करता। देखिए, जब हमारे स्मार्टफोन में कोई भी पिक्सल होता है तो उसका मतलब ये है कि वो जो डिस्प्ले है उतनी अच्छे से, उतनी क्लैरिटी से इमेजेस को शार्प बना सकती है। सेम चीज़ें जाती है कैमरा में, इसमें जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे यानी ये जितने ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर पाएगा उतना ज़्यादा इमेज शार्प बनेगी। तो इमेज की क्लैरिटी में जी हाँ, ये मैटर करता है कि उसकी मेगापिक्सल बिल्कुल ही ज़्यादा हो। लेकिन उसके अलावा जो लोग कहते हैं कि मेगापिक्सल मैटर नहीं करता एंड ब्रांड्स ये दिखावे के लिए कहती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या मैटर करता है? क्या एंड यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि अगर किसी को कोई कैमरा बाई करना होगा तो पहले वो सिर्फ और सिर्फ फ़ोन को हाथ में लेकर के सबका कैमरा टेस्ट करता, फिर ये वाला कैसा है, वो वाला कैसा है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या है कि वो अलग अलग नंबर्स को जज करे, अलग अलग नंबर्स को देखे और जो हायर नंबर हो उसे वो बाय करे। नो डाउट यहाँ पे सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है किसी इमेज को फाइन ट्यून करने में, नो डाउट। एंड नो डाउट अगर 108 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल का दो कैमरा कंपैरिजन कर रहे हो तो किसी किसी सिनेरियो में 64 मेगापिक्सल अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, चाहे कलर में या कॉन्ट्रास्ट में। लेकिन बात वही आ जाती है कि कितना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, एंड क्या 108 मेगापिक्सल का कुछ भी एडवांटेज नहीं होगा। अब यहां पे एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि अगर आप मेगापिक्सल से देख करके कैमरा को जज मत करो, तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कि क्या चीज़ें देख करके हमें जज करनी चाहिए। अगर मेगापिक्सल के जगह कोई और यूनिट होती है, लेट्स से कि ब्रांड सदियों से मेगापिक्सल को नहीं कर रहे होते, तवज्जो नहीं दे रहे होते और आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, उसके जगह सेंसर साइज को कर रहे होते, तो फिर यहाँ पर टर्म हमें यह सुनने को मिलता, सेंसर साइज डजंट मैटर, चाहे जितना भी बड़ा सेंसर हो जब तक सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं होगा तब तक अच्छा नहीं होगा। एंड इफ मान लो कोई ब्रांड उससे भी नहीं करता, सेंसर साइज को भी नहीं करता, एपर्चर को भी नहीं करता, मेगापिक्सल को भी नहीं करता एडवर्टाइज, मान लो कोई ब्रांड अपने सॉफ्टवेयर को एडवर्टाइज करता है कि हमारे फोन में पिक्सल वाला कैमरा मिलता है, राइट? लेकिन उसमें आपको मिलता कोई 8 मेगापिक्सल का कैमरा, तब आप क्या कहते हैं, पिक्सल का है तो क्या हुआ 8 मेगापिक्सल का है? तो अगेन इस बात से प्रूफ होती है कि इट डज मैटर, यस इट ऑलवेज डज मैटर। बट हाँ, जब किसी आप एक बड़े स्केल पे जाते हो, जैसे कि आप 12 मेगापिक्सल से ऊपर जा रहे हो, 48 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, तो यहाँ पे कंपैरिजन वाली चीज़ें बन जाती है। ये बात से मैं भी एग्री करता हूँ, बट ये बात पूरी तरह से कह देना मेगापिक्सल डजंट मैटर, इट डजंट मेक एनी सेंस। और कोई एक आम आदमी किस तरह से किसी कैमरा को जज करेगा? आप कोई 3-4 फोन खरीदने जाओ, ऑनलाइन स्टोर पर देख रहे हो, वहाँ पर तो कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि 48 मेगापिक्सल वाला अच्छा है या फिर 64 मेगापिक्सल वाला अच्छा है। तो आपका जो बाइंग डिसीजन होना चाहिए लॉजिकली यही सही है कि आप हायर नंबर के साथ जाओ। ये इलॉजिकल बात होगी अगर आप लोअर नंबर के साथ जाओ। भले ही 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा मे भी बेटर रिजल्ट दे, बट वो आपको नहीं पता है। एंड आपको क्या पता है कि नंबर ज्यादा हाई है, इसलिए आपको उसके साथ जाना चाहिए। सो बाइंग डिसीजन में ऑलवेज प्रीफर नंबर्स। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, हमें रियल यूजर एक्सपीरियंस देखना चाहिए।
कितने लोग हैं जो कि रियल यूजर एक्सपीरियंस देख सकते हैं, क्या आपके पास इतना टाइम है या फिर इतना रिसोर्सेस है कि आप डेली एक एक फोन का कैमरा आप टेस्ट करते रहो कि इसका 48 अच्छा है या उसका 64 अच्छा है, क्या आपके पास इतना है? नहीं है ना दोस्तों। आप रिव्यूअर्स का देख सकते हो बट फिर वो सब्जेक्टिव बात हो जाती है। आप किसी एक रिव्यूअर का देख लो, वो कहेगा कि 48 वाला ज्यादा अच्छा है, दूसरे का देख लो 64 वाला ज्यादा अच्छा है। एंड ये डिपेंड करता है उस रिव्यूअर के नजरिए से भी कि उसको कौन सी इमेज अच्छी लग रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रियल यूजर एक्सपीरियंस का कोई यूनिट नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे कैमरा में यूनिट है कि आप मेगापिक्सल में नाप सकते हो, प्रोसेसर में यूनिट है कि आप गीगाहर्ट्ज़ के क्लॉक स्पीड से नाप सकते हो, बैटरी में यूनिट है कि इमेज से नाप सकते हो कौन सा ज्यादा है, लेकिन रियल यूजर एक्सपीरियंस का कोई एक डेफिनेट यूनिट नहीं है। रियल यूजर एक्सपीरियंस हर एक पर्सन से ये वेराई करेगा। अगर किसी को एक फोन अच्छा लगेगा तो दूसरे को दूसरा फोन अच्छा लगेगा, किसी को एक फोन का कैमरा अच्छा लगेगा तो दूसरे को उस फोन का अच्छा नहीं लगेगा। ये चीजें होती है रियल यूजर एक्सपीरियंस, इसलिए वो कोई डेफिनेट नहीं है। एंड जो चीजें डेफिनेट नहीं है उस चीज को आप देख करके हमेशा जज नहीं कर सकते हो कि वही बेस्ट है।